क्रिटिक्स का क्रिटिक। यू क्रिटिक्स आर किलर्स। इनकर गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे चुप द आर्टिस्ट रिवेंज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म चुप द आर्टिस्ट रिवेंज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 की, तो फिल्म चुप द आर्टिस्ट रिवेंज ने अपने डे 5 के अंदर 0.8 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म चुप द आर्टिस्ट रिवेंज का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 8.10 करोड़ का हो चुका है। दोस्तों फिल्म की बात करें तो फिल्म को टोटल 28 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म को नेशनल सिनेमा डे के अवसर पर बीते शुक्रवार रिलीज किया गया था। जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन सिर्फ 75 रुपीस के टिकट की वजह से फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे थे। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म ने अपने डे 1 के अंदर 3.5 करोड़ की अच्छी ओपनिंग ली थी। दोस्तों फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। फिल्म में सनी देओल और दिलकार सलमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। फिल्म के ऑडियंस के द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फिल्म चुप द आर्टिस्ट रिवेंज आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है कॉमेंट में राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19 के बारे में। दोस्तों बात करें ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 19 की, तो आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ने अपने डे 19 के अंदर वर्ल्ड वाइड 3 से लेकर 3.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जहां फिल्म का हिंदी से 1.5 से लेकर के 1.9 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। दोस्तों इसी के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 406.5 से लेकर के 407 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का टोटल हिंदी से 221.35 से लेकर के 221.75 करोड़, तो वहीं फिल्म का इंडिया ऑल लैंग्वेज से 246.15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। दोस्तों फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की बात करें तो फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा डे 19 तक आते आते कलेक्शन करने के मामले में थोड़ी धीमी साबित हो गई है, लेकिन फिल्म ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही बेहतरीन कमाई की थी। बॉयकॉट ट्रेंड का फिल्म पे कोई असर नहीं पड़ा और फिल्म कमाई करने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की। दोस्तों फिल्म ब्रह्मास्त्र को टोटल 410 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। दोस्तों फिल्म ब्रह्मास्त्र 600 करोड़ के आंकड़े को छुपाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपने फिल्म ब्रह्मास्त्र देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है कमेंट में राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इंडो नेपाली नई रिलीज फिल्म प्रेम गीत 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म की तो फिल्म को 23rd September 2022 को वर्ल्ड वाइड 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। ये ऐसी पहली नेपाली फिल्म है जो इतने वाइडेस्ट ऑल ओवर स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। फिल्म के डायरेक्टर चेतन गुरुंग और संतोष सेन है, वही फिल्म में प्रदीप खड़का और क्रिस्टियाना गुरुंग मेन लीड में है। दोस्तों बात करें फिल्म प्रेम गीत 3 के डे 4 कलेक्शन की, तो फिल्म ने डे 4 के अंदर वर्ल्ड वाइड 1.75 से लेकर के 2 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया है, जहां फिल्म का इंडिया से 0.25 करोड़, फिल्म का नेपाल से 0.8 करोड़, तो वहीं फिल्म का ओवरसीज से 0.7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। दोस्तों इसी के साथ फिल्म प्रेम गीत 3 का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 13.22 से लेकर के 13.55 करोड़ का हो चुका है, जहां फिल्म का इंडिया से 2.7 करोड़, तो वहीं फिल्म का नेपाल से 6 करोड़, तो वहीं फिल्म ने ओवरसीज से 3.80 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों बात करें फिल्म प्रेम गीत 3 की तो फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। आपने ये फिल्म देखी या ना देखी, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी नजदीकी थिएटर्स में जाए और इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाए और फिल्म को एक सपोर्ट जरूर करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं आर माधवन की नई रिलीज फिल्म धोखा राउंडी कॉर्नर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 के बारे में। दोस्तों बात करें आर माधवन की नई रिलीज फिल्म धोखा राउंडी कॉर्नर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 की, तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरा हाल है। फिल्म बुरी तरह से डिजास्टर साबित हो रही है। फिल्म अपने नाम की तरह ऑडियंस को भी धोखा दे रही है। दोस्तों बात करें फिल्म धोखा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 की, तो फिल्म ने अपने डे 5 के अंदर 0.20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3.25 करोड़ का हो चुका है। फिल्म को टोटल 20 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से डिजास्टर साबित हो रही है। फिल्म धोखा राउंड द कॉर्नर ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने में नाकामयाब साबित हो रही। फिल्म धोखा राउंड द कॉर्नर के ऊपर आपकी क्या राय है, आपने फिल्म देखी या ना देखी, अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नागा सौर्य स्टार फिल्म कृष्ण वृंद विहारी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म कृष्ण वृंद विहारी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 की, तो फिल्म का डे 5 तक आते आते कलेक्शन करने के मामले में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है।
फिल्म ने अपने डे 5 के अंदर 0.45 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म कृष्ण वृंद विहारी का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 7.95 करोड़ का हो चुका है, जहां 4 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म कृष्ण वृंद विहारी ने अपने डे 1 से लेकर के डे 3 तक बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी। कृष्ण वृंद विहारी के ऊपर आपकी क्या राय है, आपने ये फिल्म देखी या ना देखी? अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो नजदीकी थिएटर्स में जाएं और इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं और फिल्म को एक सपोर्ट जरूर करें। तो दोस्तों ये था लेखा जोखा हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के गलियारों से लेटेस्ट खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।